नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके कॉलेज एडमिशन को लेकर, क्योंकि दोस्तों कल से सरकारी कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर आपने अपना एडमिशन फॉर्म नहीं भराया तो आप जाकर भर सकते हो कल से, जैसे 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपके एडमिशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। दोस्तों वैसे मैं आप सभी को बता दूं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो भी संघटक कॉलेज है, जैसे कि महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, सभी के एग्जाम मतलब कि एडमिशन फॉर्म भर चुके हैं दोस्तों। वैसे उनकी लास्ट डेट 19 अगस्त है, जैसे कि 9 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और 19 अगस्त है। और आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि कितने फॉर्म लग चुके हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वैसे आप सभी को मैं बता दूं, एक अपडेट आया जिसमें बताया गया है कि कल से सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। जयपुर के 22 सरकारी कॉलेजों में 14,000 सीटें हैं। इसी के साथ आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि आरयू में 30,000 फॉर्म आए, 19 आखिरी तिथि है, यानी 19 अगस्त आखिरी तिथि है। और मतलब कि दोस्तों 9 अगस्त से लेकर आज, जैसे कि मान सकते हो आप 17 अगस्त हो चुकी है, तो 17 अगस्त तक 19 मतलब कि 30,000 फॉरम भर चुके हैं दोस्तों। 30,000 फॉरम जो कि काफी बड़ी संख्या है, 30,000 फॉरम की वो भर चुके हैं। इसी के साथ आप सभी को मैं बता दूं, जैसे कि कल 18 अगस्त से आपकी मतलब कि आपकी जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज जो भी आपके मतलब कि एडमिशन फॉरम है दोस्तों, बाकी जो भी अदर यूनिवर्सिटी या जो सरकारी कॉलेज है उनमें आपके एडमिशन फॉरम भरे जाएंगे। तो आपने नहीं भराया, अगर आपकी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसकी संगठक कॉलेजों में आपका एडमिशन अप्लाई नहीं होता है, तो आप अपनी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है या मतलब कि सरकारी कॉलेज है उनमें आप अपना एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अगर आपका एडमिशन में नंबर नहीं आता है तो यहाँ पर आपका जरूर निश्चित रूप से आ जाएगा। इसी के बाद दोस्तों आप सभी को मैं पढ़कर बता दूं, राजस्थान के बाद अब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। बुधवार से यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। फॉरम 31 अगस्त तक भरे जाएंगे। 6 सितंबर को अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, अगर जैसे 31 अगस्त तक आपके एडमिशन फॉरम भरे जाते हैं, उसी के बाद जैसे 3 सितंबर तक आपके जो भी फॉरम भरे गए हैं उनमें जो भी त्रुटि वगैरह है वो जांच की कर ली जाएगी। इसी के बाद आपको 6 सितंबर के आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो रिलीज कर दी जाएगी सभी सरकारी कॉलेजों में। इसी के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हो, जैसे कि 300 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों में 1.91 लाख सीटें हैं कॉलेज आयुक्तालय के अनुसार, जिन छात्रों के माता पिता या दोनों। आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, अगर जैसे किसी छात्र के माता पिता कोरोना की वजह से माता पिता की डेथ हो गई है, माता की हो गई है, पिता की हो गई है, साथ ही में अगर किसी मतलब की जो छात्राएं हैं उनके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, तो उनको मतलब की एडमिशन में छूट मिलेगी। जैसे मतलब की जो अदर बंदे मिलते हैं उनसे ज्यादा छूट मिलेगी उनको एडमिशन में उनको जल्दी ही एडमिशन मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे 22 कॉलेजों में करीब 14,000 सीटें हैं। JLN मार्ग स्थित राजकीय कॉलेज जयपुर में BA में 200, BCom में 100, BSc बायो मैथ्स में 88 सीटें हैं। कॉलेज प्रिंसिपल पुष्पा पारिक ने बताया कि मूक बंदिर छात्रों के लिए सीटें निर्धारित नहीं है, ऐसे सभी छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। वहीं किशनपोल गर्ल्स कॉलेज में BA में 200 सीटें हैं, ब्रह्मपुरी राजकीय कॉलेज में भी 200 सीटें हैं। इस प्रकार से कुछ आपका मतलब कि एक तरह से स्ट्रीम रहने वाला है दोस्तों। और आप सभी को मैं बता दूं, जैसे जो भी स्टूडेंट है, अगर आपके जैसे संगठक कॉलेज है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उनमें अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आप अपने जो भी सरकारी कॉलेज है उनमें एडमिशन करवा सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, अगली बार जैसे इतिहास का पहला रिजल्ट रहा है, क्योंकि अगली बार आपको बिना परीक्षा के ही आपके एग्जाम मतलब कि आपको प्रमोट कर दिया गया है दोस्तों, आपके मतलब कि टाइम वो आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और आप सभी को मैं बता दूं, अगली बार जो है वो आपकी सभी की मतलब कि बहुत ही हाई जाने वाली है, क्योंकि अब की बार जैसे आप मान सकते हो 5 से 7% जो बंदे हैं वो 79% के हैं, और जैसे 10 से 15 जो रहते हैं स्टूडेंट वो रहते हैं 90+ स्टूडेंट रहते हैं, इसी प्रकार से आपका रहने वाला है दोस्तों। और जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप मतलब अपना एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जाकर अपने जो भी आस नजदीकी में जो भी आपका ई मित्र है तो वहां पर जाकर आप अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको डेट बता दी है, लास्ट कट ऑफ आपकी जो 6 सितंबर है, 6 सितंबर को जारी कर दी जाएगी, और वो ऑल राजस्थान में है दोस्तों। राजस्थान में किसी भी आप राजकीय कॉलेज है उसमें आप
अपना एडमिशन फॉर्म लगा सकते हो जो कि कल से यानी कि 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं ऐसी कुछ अपडेट लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।